बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर वॉक पे निकला था और मैंने सोचा कि यहाँ पे आज कुछ मौसम बेहतर है और सर्दी कम है अभी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे मुखातब हुआ जाए। मैं ये वीलॉग हमूद रहमान की रिपोर्ट के ऊपर बना रहा हूँ। 1971 में जब फॉल ऑफ ढाका हुआ तो उस वक्त दिसंबर 1971 में जुल्फकार अली भुट्टो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने हमूद रहमान कमीशन बनाया, जुडिशियल कमीशन बनाया टू फाइंड आउट कि इसके रीजंस क्या थे और जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी वो जब से 1947 से लेकर 1971 तक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या थी, इंटरफेरेंस ढाका के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर किस किस का कितना था। बात यह है कि यह हमूद रहमान कमीशन जो था, ये एक्चुअली तो जुल्फकार अली भुट्टो ने सिर्फ वो 71 वार की जो हमारा लॉस था उसको फाइंड आउट करने के लिए नहीं बनाया था। बेसिकली उसने हमूद रहमान कमीशन बनाया था जस्ट टू स्नब पाकिस्तान आर्मी अंडर हिज टोज, प्लस टू कवर अप हिज ब्लंडर्स और जो उसने गद्दारी की थी पाकिस्तान के साथ। बेसिकली इस पाकिस्तान का जो अलग होना था उसके अंदर जुल्फकार अली भुट्टो का बहुत बड़ा हाथ था। सबसे पहले तो देखिए, जुल्फकार अली भुट्टो को भी कहने को जी डिक्टेटरशिप तो ये वो, हालांकि ये भी एक मिलिट्री की पैदावार थी, ये भी एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थी और इसने ही एस्टेब्लिशमेंट की पीठ के अंदर छुरा भी घोंपा था। यानी कि अयूब खान स्टूडेंट को इसने इस्तेमाल किया और अयूब खान की गवर्नमेंट को इसने हटा दिया। क्यों? वजह क्या थी कि अयूब खान वन यूनिट कायम रखना चाहता था। अयूब खान ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के साथ बिल्कुल इक्वालिटी के साथ चल रहा था, जस्टिस के साथ चल रहा था। लेकिन अगर वो अयूब खान चलता रहता तो जो जुल्फकार अली भुट्टो था वो अपना मिशन मुकम्मल ना कर पाता। उसका जो मिशन यही था कि इधर हम उधर तुम। वो बंगालिस को हेट करता था, वो चाहता था कि ये ऑल इन ऑल वो खुद पावर में रहे। लिहाजा जब जो इलेक्शन हुए, जाया खान ने इलेक्शन करवाए थे, कहने को जी सबसे ऑनेस्ट इलेक्शन वही थे, देर इज नो डाउट इन इट। उसमें क्या था कि मुजीब रहमान की पार्टी जो थी वो अक्सरियत में जीत गई, वेयर एज जो जुल्फकार अली भुट्टो था उसकी लेस देन 50% ओवरऑल सीटें थी। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो नहीं चाहता था कि वो अपोजिशन में बैठे और मुजीब रहमान हेड ऑफ द स्टेट बन के बैठे। लिहाजा इसने उसी वक्त जो थी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू कर दी। याया खान क्योंकि एक करेक्टर के ढीला शख्स था, उसको जुल्फकार अली भुट्टो इस्तेमाल करता रहा, उनको यशियाँ कराता रहा, खुद क्योंकि खुद भी जो जुल्फकार अली भुट्टो था पीने पिलाने का शौकीन था, रंडीबाजी का ये बहुत, तो उसका भी करैक्टर उसी हिसाब से था। तो लिहाजा उसने अयूब खान को भी इस्तेमाल किया। उस दौर में मेरे पाकिस्तानियों, ये मेरी जो न्यू जनरेशन है शायद इनको नहीं पता कि उस वक्त जो आपकी नेशनल असम्बली थी वो ढाका में हुआ करती थी। तो याद रखिए कि वहाँ पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई, मुजीब रहमान ने कॉल की, लेकिन जो जुल्फकार अली भुट्टो था उसने यहाँ तक कह दिया कि जो ईस्ट पाकिस्तान में जाएगा, जो ढाका में जाएगा, मैं उसके टांगे तोड़ दूंगा। इसका क्या मतलब है? यानी कहने का मतलब यह है कि सब कुछ वो खुद किए जा रहा था और वो चाहता यही था कि वो प्राइम मिनिस्टर बने और पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दे। फाइनली क्या हुआ कि वही चीज़ जो उसका मिशन था वो कामयाब हुआ। बैक डोर पे ये इंदिरा गांधी से मिला हुआ था, क्योंकि कहने को आई कैन नॉट कन्फर्म इट, लेकिन कहने को ये सुनी सुनाई बात है, ये यकीन तो मैं नहीं करता, लेकिन फिर भी जो बात कहते ने खलके आम हो तो उसको बात कर देना चाहिए कि इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भुट्टो बेसिकली बहन भाई भी थे। तो इनका प्लान शुरू से यही था कि पाकिस्तान के दो टुकड़े किए जाए। एनी हाउ, अब वो जो ब्लंडर था जो जुल्फकार अली भुट्टो ने किया था अपने दौर में, उसको कवर अप करने के लिए उसने हमूद रहमान कमीशन बनाया ताकि उसकी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी उसको कवर अप वो हो सके।
अभी हमुदरमान कमीशन, मैं आप तमाम पाकिस्तानियों को ये बता दूं कि एक झूठ का पलंदा है, टोटल फ्रॉड, टोटल फेक है। वजह क्या कि जो ईस्ट पाकिस्तान में हमारे सोल्जर्स थे जो फाइट कर रहे थे, इवन वो जो सिविल थे, जो यानी कि बैंकों में मुलाजमीन, रेलवे के मुलाजमीन, एयरफोर्स के लोग, सारा कुछ, वो तो सारे के सारे अरेस्ट हो चुके थे, वो तो जंगी कैदी थे। तो लिहाजा हमुदरमान ने किससे पूछना था? वो तो अब याद रखिएगा कि जब उनको पता ही नहीं, उनसे पूछा ही नहीं गया, जो एक्चुअल विक्टिम थे ईस्ट पाकिस्तान के, जिनके साथ ट्रेजेडीज गुजरी थी, जिनको जो मुक्ति बानी थे मार रहे थे, उनसे तो पूछा ही नहीं कि दफ्तर के अंदर बैठ के एक डिक्टेशन लेके ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से एक हमुदरमान कमीशन रिपोर्ट बना दी गई जस्ट टू आई वॉश। इसकी एक्चुअल 12 कापियां बनी, जिसमें से 11 तो उन्होंने खुद ही उसी वक्त डिस्ट्रॉय कर दी थी, और एक कॉपी इन्होंने अपने पास रखी और उसको सेफ कस्टडी में रख दिया और साथ उसको क्लासीफाइड कर दिया। बात यह है कि क्लासीफाइड करने की ज़रूरत क्या थी। एनी हो, मैंने कुछ हिस्से हमुदरमान रिपोर्ट के मैंने देखे हुए हैं, मैंने पढ़े हुए हैं, और मैं आप तमाम पाकिस्तानियों को बता दूं कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि जनाब वहाँ पे बंगालीस को रेप करते रहे, ये करते रहे। हालांकि अभी रिसेंटली कुछ साल पहले, जिसमें आपका हामिद मीर भी गया था ढाका में, वो अपने बाप का प्राइस लेने के लिए, गद्दारी का जो बेस्ट गद्दारी प्राइस मिला था इसको, और मोदी सरकार भी वहाँ गई, मोदी ने खुद कन्फेस किया कि हमने ईस्ट पाकिस्तान को कैसे वेस्ट पाकिस्तान से तोड़ा था। उसने कन्फेस किया कि मुक्ति बानी बेसिकली इंडिया ने खुद बनाई थी। मुक्ति बानी क्या थी? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, सेम जैसे अभी टीटीपी इंडिया ने बनाई है, और मुख्तलिफ जो बीएलए है ये, क्योंकि इंडिया के शुरू से शेवा ये टेररिज्म को हवा देता है, चीखता भी सबसे ज्यादा है, यानी कि ये रोंदू नहीं जिसको कहते, कि मारता भी खुद है, रोता भी खुद है, टेररिज्म ये खुद करता है, ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर लगाता है। लेकिन एनी हाउ कि इसने खुद कन्फेस कर लिया कि हाँ, जो इंडिया, जो इस पाकिस्तान में टेररिज्म थी, मुक्ति बानी को वो इंडिया लुक आफ्टर कर रहा था, इवन मुक्ति बानी जो मोदी था वो खुद मुक्ति बानी का एक हिस्सा भी था। तो लिहाजा आज भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस या ऐसे लोग जिनका कुछ स्क्रू ढीला है, वो हमुदरमान रिपोर्ट का रेफरेंस दे के आर्मी के ऊपर गंद उछालते हैं, कीचड़ उछालते हैं। और मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लानत है आप लोगों पे कि जो आप पाकिस्तान का नमक खाते हो, बात करते हो दुश्मनों की, शर्म करो, हया करो, अगर नहीं है तो डूब मरो। वजह क्या है कि जब आप लोगों को पता तो है, होता नहीं है, और आके वीलॉग बनाते हो या इस तरह की बातें करते हो, कम से कम तहकीक कर लिया करो। रेफरेंस तो आप देते हो कि मेरे फलां सोर्स, मेरा फलां सोर्स, तो क्या आपकी सोर्स ने आपको हमुदरमान रिपोर्ट के बारे में नहीं बताया कि उसके असल हकायक क्या थे? क्या आपको पाकिस्तान के टूटने का हकायक का नहीं पता? क्या आपको जो मुक्ति बानी हैं उनका नहीं पता कि इंडिया कैसे तोड़ता रहा, इंडिया पाकिस्तानियों को कैसे ब्राइब करता रहा, इंडिया कैसे इवन आपके पॉलिटिशियंस को ब्राइब करता रहा? आज भी याद रखिएगा, ये जो हमारे पास मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस तमाम के तमाम इंडिया के पपेट्स हैं, इंडिया के एजेंट्स हैं। इवन आपको, मेरे पाकिस्तानियों, अभी तो आपको पता होगा कि इंडियन मीडिया के ऊपर जब नवाज शरीफ की हुकूमत हटाई गई, कोर्टों ने हटाई, उस वक्त इंडिया के टीवी पे शोर मचा हुआ था कि वी हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी ऑन नवाज शरीफ। बात यह है कि जब जो खुद इन्वेस्ट करते हैं हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर, तो डू यू थिंक वो जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, वो हमारे लिए काम करेंगे? वो तो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे ना। इसी वजह से करके देखिए ना, नवाज शरीफ हो गई है, जरदारी हो गया, फजला हो गया, एएनपी हो गई, ये तमाम वो लोग हैं, इवन एमक्यूएम, ये तमाम वो लोग हैं जो खाते पाकिस्तान के हैं, लूटते पाकिस्तान के हैं, लेकिन काम करते हैं इंडिया का। मैं आज इन तमाम को कहता हूं कि तुम लोगों को बहुत इंडिया पसंद है ना, तो दफा हो जाओ यहां से, मेरा पाकिस्तान छोड़ दो, मेरी पाकिस्तान आर्मी की जान छोड़ दो। और मैं उन तमाम लोगों को जो बड़े हमुदरहमान रिपोर्ट की बात करते हैं, मेरा उन तमाम को चैलेंज है
कि आइए मेरे साथ मीडिया पे आप डिबेट कर लीजिए, मैं साबित करूंगा कि ईस्ट पाकिस्तान अगर टूटा था तो वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से टूटा था, मिलिट्री की इंजीनियरिंग की वजह से नहीं। इवन आप उनके जो इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था उस वक्त, उसका इंटरव्यू सुन ले और उसने खुद कन्फेस किया कि हाउ ब्रेवली पाकिस्तान आर्मी वन फॉट द वॉर। अब खुद सोचिए कि ईस्ट पाकिस्तान को तमाम रूट इंडिया के फजाई ऊपर से गुजरता है, समुंदर से भी इंडिया से गुजरता है, तो जो आपकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, लाइन ऑफ लॉजिस्टिक है जंग लड़ने के लिए, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उधर तो आपके जो बंगालीज थे वो तो आपको बिट्रे कर चुके थे, वो तो आपसे टूट चुके थे, तो वहाँ पे लड़ना किसने था? वो लोग जो वेस्ट पाकिस्तान से गए हुए थे। लेकिन जब चारों तरफ से उनको मारा जा रहा था, उनके पास एंड तक असला जो है वो संगीनों तक लड़ाई हुई, तो और क्या ब्रेवरी मांगते हो। मैं उन तमाम जो बगैरत लोग हैं जो अक्सर बकवास करते हैं मेरी पाकिस्तान आर्मी पे, मेरे गाजियों पे, मेरे शहीदों पे, मैं उनको कहना हूँ कि कम अज़ कम और कुछ नहीं बेशर्मो, जब पता नहीं होता तो बड़बड़ नहीं करते, पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद आके बात करते हैं। मैं सिर्फ आज का वीलॉग्स इस उम्मीद पे ख़त्म करता हूँ कि कोई भी शख्स हमूद रहमान रिपोर्ट पढ़ने से पहले, सॉरी बोलने से पहले उसको पढ़ ले, उसके हिस्से बहुत सारे ओपन हैं और आपको मिल जाएंगे नेट के ऊपर भी, नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको भेज दूँगा। और उसके बाद अपनी रिसर्च भी कीजिए, जो मैंने बातें की इस वीलॉग के अंदर उनको आप रिसर्च कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और फिर बात कीजिएगा। खाम खाम में अपने घर को खुद आग नहीं लगाया करते। ये पाकिस्तान आर्मी शहीदों की आर्मी है, बहादुरों की आर्मी है, गाजियों की आर्मी है, गद्दारों की आर्मी नहीं है। देर इज़ नो डाउट कि हमारे यहाँ बहुत सारे गद्दार पैदा हुए हैं, आज भी हैं, मौजूद हैं, और उनका जब तक इलाज नहीं होगा, जब तक हम उनको नहीं लटकाएंगे, ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा और इसी तरह कोई ना कोई आता रहेगा और हम उधर मार रिपोर्ट और फलां पुराने ज़माने की बातें नेगेटिव लेकर चलता रहेगा। वो नहीं मौजूदा बात नहीं करेगा कि इस वक्त पाकिस्तान के इन चोरों चक्कों डाकुओं ने लूट लूट के पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, क्या ये आर्मी ने किया है? आर्मी का एक बंदा सिर्फ और सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा, उसने गद्दारी की, देर इज़ नो डाउट इन इट, वो इनको लेके आया। लेकिन ये लूट खसूट उसने इतनी नहीं की, वो ना होने के बराबर है, लेकिन जो लूट खसूट इन तीन लोगों ने, JUI, पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग, जितना पाकिस्तान को इन्होंने लूटा, 90% पाकिस्तान को इन्होंने लूटा है, याद रखिएगा। और यही सब इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। इमरान खान एक सच्चा लीडर है, उसकी कदर कीजिए, आज ना की तो कल कभी नहीं आएगा। मैं उन तमाम लोगों को जो कि आज भी अदारों के अंदर बैठे हुए चोरों चक्कों का साथ दे रहे हैं, उनको भी कहूँगा कि अपना रिज़्क हलाल कर लो, याद रखना अल्लाह ताला के हाँ इस तरह के जो आप घिनौने जुर्म कर रहे हो उसकी माफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला हम सब पे फजल करे। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।